एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रूम। आप तो हमें जानते ही होंगे, मैं आपका अपना ओझा सर। आज मैं आपको स्पेशली कुछ बताने आया हूँ, वही जो सीबीएसई की नई गाइडलाइन है जिसमें टर्म वन टर्म टू, आखिर ये क्या है टर्म वन टर्म टू, उसके बाद क्या है कि तीन केसेस है इसमें। पहला, कोविड में एग्जामिनेशन होगा या नहीं, अगर होता है तो कैसे होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारा क्वेश्चंस है, उसे मैं एक एक करके आज सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। उससे पहले जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं। क्या है भाई, तो सबसे पहले आप जो नहीं जानते हैं सीबीएसई की गाइडलाइन, उसे हमारे थ्रू या फिर किसी और के थ्रू आप जानने की कोशिश करें। चलिए अब हम उसको उस टॉपिक को बताते हैं जो आपको आज एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को आपका क्लियर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि सीबीएसई ने यह गाइडलाइन क्यों लाई, क्या कोविड इसमें बहुत अहम रोल निभाता है, क्या ये कोविड के बाद भी ऐसा होगा या फिर सिर्फ कोविड जब तक है उसी समय तक होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो चलिए एक एक करके सारे का आंसर हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले कि क्या ये जो टर्म वन है और टर्म टू है, क्या आप लोग सब जानते हैं सीबीएसई वालों? तो टर्म वन जो है उसमें आपको सिलेबस जो होगा वो 50% ही पढ़ना है। आप उसके गाइडलाइन को देखिएगा, देन जब आप फर्स्ट टर्म जो टर्म वन है यानी सेमेस्टर वन, पहले आपकी जो एग्जामिनेशन होती थी वो साल में एक बार होती थी, अब जो नई गाइडलाइन है, जो नई शिक्षा नीति है, एजुकेशनल पॉलिसी है, उसमें आपको साल में अब दो एग्जामिनेशन देनी होगी। अब ये हमेशा रहेगा, वो कोविड रहे या ना रहे। आगे आपकी क्वेश्चंस होगी कि क्या सर कोविड में हमारी जो टर्म वन है टर्म टू है वो एग्जामिनेशन कैसे होगी। तो टर्म वन आप 50% सिलेबस पढ़ेंगे, 50% जो सिलेबस है वो आपको पढ़ेंगे, उससे टर्म टू का लेना देना नहीं होगा, और जो टर्म टू का 50% सिलेबस है वो टर्म वन को कोई लेना देना नहीं। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि अगर आपके मैथ्स में या फिर केमिस्ट्री में, अगर मैथ्स में आपका 16 चैप्टर है तो टर्म वन में आपको ओनली 8 चैप्टर्स ओनली। आप मेरे एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड्स पे बहुत केयरफुली सुनेंगे, अगर हो सके तो आप ईयरफोन लगा लें और तब सुने। बहुत ही बड़ी गाइडलाइन आई है, एजुकेशन पॉलिसी आई है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, स्पेशली पेरेंट्स लोगों के लिए। नेक्स्ट, अगर ये टर्म वन होती है तो कितने मार्क्स की होगी, अगर ये मार्क्स हमको पता चल जाए तो कितने टाइम की होगी, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, तो सारा क्वेश्चन मैंने बताया। आज एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करूंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन लाइफ से बड़ी तो नहीं जाएगी। सबसे पहले कि हमारी जो टर्म वन होगी वो लगभग 90 मिनट्स की होगी, 90 मिनट्स की, और वो एमसीक्यू। डू यू नो एमसीक्यू? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि आपको पैरा दिया रहेगा और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उसका आपको एक टिक आउट करना है, इसका आंसर आपको नहीं देना है। अब ये एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये आपको नवंबर से दिसंबर मंथ में हो जाएगा। टेंथ वालों केयरफुली सुनो, लाइफ चेंज होने की संभावना है। अगर आप बहुत अच्छे वेल प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी रिजल्ट, अब आपको 8 का सिलेबस, 8 का रिजल्ट, 9 का इंटरनल, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। पिछले साल देखिए आपने एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, जो कम पढ़ते हैं, वो खुश होंगे, अरे इस साल भी वेव 3 आएगा और हमारी एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगी, जो कि आप बिल्कुल गलत हो। एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगी, सीबीएसई ने बहुत बड़ी गाइडलाइन ये दी कि एग्जामिनेशन तो बिल्कुल नहीं, वो आपके किस पे डिपेंड करता है, आपके एग्जामिनेशन पे। अब आते हैं कि टर्म वन, आप हमसे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, मैं स्पेशली बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाना चाहता हूं कि सर टर्म वन जो है वो नवंबर दिसंबर में आप बोल रहे हैं कि हो जाएगा। अब सवाल आता है कि नवंबर और दिसंबर में अगर कोविड आ जाता है और उसका जो डेल्टा प्लस है वो काफी डेंजरस है, उसका जो क्या करते हैं पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, ब्रिटेन में आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या है कि अगर सर नवंबर में और दिसंबर में कोविड आ जाता है तो टर्म वन आप घर से देंगे, ऑनलाइन होगी,
और वो एग्जामिनेशन की वेटेज कम हो जाएगी। अब आप समझिए कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जो होता है जस्ट लाइक एक एग्जामिनेशन उसी तरह से होगा और वो एग्जामिनेशन की वेटेज कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप घर पे दे रहे हैं तो घर से आप चीट भी कर सकते हैं। बहुत सारे नहीं करेंगे लेकिन सीबीएसई अपनी गाइडलाइन में बोला कि उसकी वेटेज कम हो जाएगी। अब सेकेंड ऑप्शन आता है कि सर अगर हमारी जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम यानी टर्म वन की एग्जाम खत्म हो गई और फरवरी मार्च तक डेल्टा प्लस यानी कोरोना कोविड भयानक रूप से अगर आ जाता है इंडिया में तो सीबीएसई क्या करेगी। तो आपने पहला एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से दिया, ऑनलाइन दिया, और सेकंड में भी अगर वेब आ जाता है तो भी वो एग्जामिनेशन आपका होगा लेकिन वो भी ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले हमारा जो केस था पहला कि अगर टर्म वन चैप्टर जो है एग्जामिनेशन वो कैंसिल हो जाता है तो आप घर से देंगे। अगर वो कैंसिल नहीं होता आप बहुत अच्छे से स्कूल में जाते हैं और एग्जामिनेशन देते हैं। अगर आपका सेकेंड वेव थर्ड वेव जो है वो मार्च में चला जाता है तब हमारे साथ क्या होता है, वो एग्जामिनेशन जो है वो आपको 2 आवर्स की है जो कि 120 मिनट्स की है जब आप स्कूल जाकर के ये एग्जामिनेशन देते हैं। अगर उस समय भी कोविड अपने अहम रोल में होगा, बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे होंगे तो आपकी वो भी एग्जामिनेशन जो होगी वो आपको घर से ही देनी होगी, वो 90 मिनट्स का ही होगा। ऐसे वो एग्जामिनेशन प्योर सब्जेक्टिव है लेकिन जब वो एग्जामिनेशन आप घर पे देंगे तो वो ऑब्जेक्टिव पैरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगी। जो मैंने बताया कि पैराग्राफ होगा उससे आप आंसर देते जाएंगे। अब हुआ कि सर अगर मेरा एग्जामिनेशन दोनों ड्यू टू कोविड हमारा अनफॉर्चुनेटली खत्म हो जाता है, नहीं दे पाते हैं और ऑनलाइन दोनों एग्जामिनेशन होता है तो मार्क्स कैसे बनेगा, हमने तो दोनों में एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा किया, तो सीबीएसई इसके लिए भी एक गाइडलाइन तैयार किया। कौन सा गाइडलाइन है? तो आपका इंटरनल एसेसमेंट, लिसन केयरफुली, इंटरनल एसेसमेंट देन प्रोजेक्शन वर्क यानी प्रोजेक्ट में जो भी वर्क आपको मिलता है उसे आप अभी से ही बारीकी ढंग से एकदम एक एक पेज को स्कूल में सबमिट करें क्योंकि स्कूल को अब क्या करना है, हर एक स्टूडेंट का एक प्रोफाइल तैयार करना है। कौन सा प्रोफाइल? तो आप जो यूनिट टेस्ट देते हैं उसका, आप जो वीकली टेस्ट देते हैं उसका, आप जो टर्म वाइज एग्जामिनेशन हर मंथ देते हैं उसका एक प्रोफाइल तैयार होगा और स्कूल वाले की जिम्मेवारी है कि वो उस प्रोफाइल को सीबीएसई को सौंपेंगे। अब आपके मन में एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि हमारी 8th के रिजल्ट से, हमारी 9th के रिजल्ट से हमारे 10th को कुछ होने वाला नहीं है। 12th वालों को भी डर था कि भाई 10th का होगा, 11th का होगा, उसके बाद हमारे 12th की उस हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10th में बहुत, मान लीजिए उनकी तबीयत खराब थी, फीवर थी, उन्होंने एग्जामिनेशन दिया तो वो अच्छे से एग्जामिनेशन दे दिए, इसका मतलब क्या उनकी 12th की रिजल्ट खराब आएगी? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है कि हम पिछले ईयर्स का रिजल्ट उनके साथ शेयर करें। अब क्या होता है नेक्स्ट हमारा जो है कि सर अब हमने एग्जामिनेशन दे दिया, सिलेबस जो था वो भी आपने बता दिया, अब आता है कि सर हमारे स्कूल में हमारी जो यूनिट टेस्ट है उसका रिपोर्ट कैसे तैयार होता है? तो वो आप अपने स्कूल में जाएंगे पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ और जो यूनिट टेस्ट है उसमें भी आपको लेबर करनी होगी। अब अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मैं आपको बोर्ड पे लेकर के चलता हूं और एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड्स को आज मैं क्लियर करके ही रहूंगा। आप कहीं जाइएगा मत वीडियो छोड़ करके और वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि बहुत सारा मैथ्स मैंने बनाया आप लोगों ने नहीं देखा या फिर देखा या फिर स्किप करके देखा, लेकिन आज आपको देखनी होगी सीबीएसई की नई जो गाइडलाइन है, जो सीबीएसई की पॉलिसी है जो आई है नई 10th और 12th वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे एक एक करके कि आखिर क्या है इस पॉलिसी में। चलिए बोर्ड पे हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि अब ये क्या है, तो हमारा टर्म फर्स्ट है और ये टर्म सेकंड है। अब सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि हमारा सिलेबस जो है वो क्या हो गया है,
50% हो चुका है, और जो 50% रिमेनिंग है वो क्या हो गया है, इसमें आ गया है। अगर आपका मान के चलिए कि इसमें चैप्टर, टोटल चैप्टर जितना है, तो अगर इसमें 4 पढ़ना है तो इसमें आपको चैप्टर 6, यहां पे 4 पढ़ लिए तो अब यहां पे क्या करना है, आपको 4 चैप्टर यहां पे पढ़ना है, मतलब कि टोटल 8 है तो यहां पे आप 4 चैप्टर पढ़ेंगे। आपका 4 इसमें पढ़ लिया आपने और 4 इसमें पढ़ लिया। अब आता है कि अगर आप यूनिट टेस्ट स्कूल में देते हैं और उस यूनिट टेस्ट में आपका रिजल्ट खराब आता है, तब आप क्या करेंगे, तो ये आपको हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि उसी का रिजल्ट आप फाइनल में चाहेगी और फाइनल में बन करके फाइनल रिजल्ट आपके पास आता है। अगर कोविड में आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं तो अब आता है कि ये सिलेबस तो हो गया, अब हमारी जो एग्जामिनेशन है तो टर्म 1 जो होगी उसकी जो टाइमिंग होगी वो 90 मिनट्स की होगी, और इसकी जो टाइमिंग होगी टर्म 2 की, इसकी टाइमिंग 2 आवर्स की होगी। कब, जब आप एग्जामिनेशन देने यहां पे सेंटर पे जाते हैं। अगर आपका कोविड, अगर कोविड बहुत ज्यादा रहता है, अगर ड्यू टू कोविड अगर कोविड रहता है कोविड-19, तब आपकी जो टाइमिंग होगी वो टाइमिंग आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये टाइमिंग आपकी 90 मिनट्स ही हो जाएगी। अब इसमें आपका आएगा MCQ, ये क्या है, क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप कैसा होगा, तो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका सब्जेक्टिव होगा। कब, किस केस में, तो जब आप सेंटर पे या फिर स्कूल में एग्जामिनेशन देने जाते हैं। अगर कोविड-19 रहता है तब आपकी यहां भी MCQ ही पूछी जाएगी, यहां का क्वेश्चन टाइप जो है वो क्या रहेगा, MCQ रहेगा। अब आता है कि अगर हमारी फर्स्ट टर्म की एग्जामिनेशन, जो यहां की एग्जामिनेशन है वो स्कूल में होता है, यानी स्कूल में अगर हम देते हैं तो ये एग्जामिनेशन की वेटेज 50% होगी, लेकिन अगर हम इसे ऑनलाइन देते हैं तो इसकी वेटेज जो है वो कम हो जाएगी, मतलब कि इसकी वेटेज कम कर दी जाएगी। और अगर ये एग्जामिनेशन आप स्कूल या फिर सेंटर पे देते हैं तो इसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन ही देते हैं तो इस केस में आपको फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार होगा, तो इंटरनल एक्सेसमेंट, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद प्रैक्टिकल की बेस पे आपकी फाइनल रिजल्ट जो है वो तैयार की जाएगी। आपकी फाइनल रिजल्ट, आपके इंटरनल एसेसमेंट, आपके प्रोजेक्ट वर्क, आपके प्रैक्टिकल पे बेस पे तैयार किया जाएगा। अब इस केस में यहां पे तो ये जो है वो आपको यूनिट टेस्ट के बेस पे इसमें वेटेज आपको मिलेगा। अब आगे आता है कि सर 8 का 9 का एंड कोई रिजल्ट का इसमें मायने है, तो नहीं, इसमें आपको ना ही 8 का कोई जिक्र होगा ना ही 9th का होगा, ये दोनों के लिए है, मतलब कि ये 12th वाले केस में भी होगा और ये 10th वाले केस में भी होगा। अब आगे आता है कि सर ये एग्जामिनेशन हो जाता है स्कूल में, अगर हम स्कूल में देते हैं तो आपकी वेटेज सेम रहेगी, जो कि आपको 50% वेटेज जो है। अब मान के चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपका जो मार्क्स है वो 70 मार्क्स का है तो 35 टर्म फर्स्ट में और 35 टर्म सेकंड में लिया जाएगा, क्योंकि 30 मार्क्स का हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है।
अगर दोनों एग्जामिनेशन नहीं होता है, मीन्स टर्म वन, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, टर्म वन टर्म टू, अगर दोनों एग्जामिनेशन आपकी स्कूल में नहीं हो पाती है, तो मैंने पहले भी बताया कि दोनों एग्जामिनेशन की वेटेज कम हो जाएगी और आपकी रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल पे के बेस पे बनाया जाएगा। अब आपको जहां भी दिक्कत होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे एग्जामिनेशन से लेकर के एक बहुत बड़ी न्यूज, जो ब्रेकिंग न्यूज बोल सकते हैं, कि जो जेईई का एग्जामिनेशन है वो 20 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक फर्स्ट वाले जो है उनका दे दिया जाएगा और जो सेकंड वाले हैं उनका 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक एग्जामिनेशन होगी। अब आप प्रिपरेशन अगर कर रहे थे तो और भी ज्यादा तेजी से करें क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन आपके पास पहुंच चुकी है। अगली खबर कि इसमें रजिस्टर कितने स्टूडेंट हुए हैं, तो फर्स्ट में आपको 6,80,000 स्टूडेंट हैं और सेकंड में 6,09,000। अब आपको देखना क्या है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को समझा दें इस बातों को कि स्कूल जो जाना है, अगर खुल जाती है स्कूल तो जाना है, तो बाबू यूनिट टेस्ट पे आपको विशेष फोकस करना होगा। आपकी मंथली जो एग्जामिनेशन होती है मंथ वाइज, उससे भी आपको फोकस करना होगा क्योंकि कोई नहीं जानता है कोविड का कब प्रचंड रूप ले ले और वो आपकी स्कूल को बंद करा दे। आपको भी पता होगा कि इस कोविड ने अगर किसी को बर्बाद किया तो वो है हमारे स्टूडेंट, जिनकी लाइफ जो है वो जस की तस यानी ब्रेक लग चुकी है और वहां से आगे बढ़ने की नाम नहीं ले रही। हम लोगों ने 2-4 स्टूडेंट से बातें की जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, उन्होंने बोला कि सर एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ खुद भी ऑफलाइन क्लासेस चलती है स्काई गोल एकेडमी में, जहां पे 10th के बच्चे वो चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन हो, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो चाहते हैं एग्जामिनेशन नहीं हो पिछले साल की तरह, उन्हें बिना पढ़े ही वेटेज के आधार पे यानी 8-9 के आधार पे और कुछ स्कूल की इंटरनल असेसमेंट के आधार पे वहां पे उनकी प्रोफाइल बना करके उन्हें रिजल्ट मिल गया था। लेकिन इसमें क्या है, अब सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की कि अब इसमें क्या है कि सीबीएसई अब स्कूल से बच्चे की प्रोफाइल तैयार करेगी, वो भी किस बेसिस पे, यूनिट टेस्ट के बेसिस पे, उनका एग्जामिनेशन कैसा गया, कितना मार्क्स आया, इस बेसिस पे उनकी एग्जामिनेशन अब वहां पे होगी। आगे अगर उस बच्चे के कोई बच्चा अगर यूनिट टेस्ट छोड़ देता है तो समझिए कि वो अपना फाइनल एग्जामिनेशन छोड़ता है। तो स्टूडेंट, तो गाइज, फ्रेंड्स, जो भी हैं, आप अपने यूनिट टेस्ट को फाइनल एग्जामिनेशन समझ करके, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर 10th में करना चाहते हैं बेस्ट तो आप दीजिए यूनिट टेस्ट, क्योंकि यूनिट टेस्ट ही फाइनल रिजल्ट बनाएगी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी वीडियो काफी लंबी नहीं हुई, लेकिन आपके लाइफ को चेंज करने के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, जो कि सक्सेस रूम करके है, और उसके बाद आप परीक्षा की तैयारी करें, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, और अपने पेरेंट्स को, अगर आप इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे तो अपने पेरेंट्स को दें, वो समझ लेंगे और आपको समझाएंगे। अब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब क्या है कि आगे हम लोग फिर से हम लाएंगे कि नीट की तैयारी कैसे करें, जेईई की तैयारी कैसे करें, मेरा वीडियो छोड़े नहीं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, और एक चीज और आपको बतानी थी कि हमारी ये जो चैनल है सक्सेस रूम, जिनको मतलब जिस चैनल को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, आप लोगों की वजह से ये मोनेटाइज होने की कगार पे है। मतलब ऐसा लगता है कि 20 से 25 यानी जब जेईई वाले एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो हमारी जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगी। तो आप लोग गॉड से, भगवान से प्रे कीजिए कि हमारी चैनल जल्द से जल्द वो मोनेटाइज हो जाए, ताकि हम और भी ज्यादा लोगों तक अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। चलिए, अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।